जय जोहार। छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं ललित प्रजापति। बीजेपी में आज आम आदमी पार्टी के यानी झाड़ू वाले कई नेता शामिल हो गए। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के आप प्रदेश अध्यक्ष और कई नेताओं ने इस्तीफा दिया था। अब इन लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आपके कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिनमें आपके पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश मोरी भी शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। उन्होंने कहा कि लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, आने वाले दिनों में और लोग बीजेपी में शामिल होंगे। इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी का वायुमंडल देख करके और जो हम देश के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर के, लोक कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर के, समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और आने वाले दिनों में और ज्वाइनिंग आपके सामने दिखेगी। जब हमने कहा सबका साथ सबका विकास सबका सहयोग, उसी के नाते हम चाहते हैं कि समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग पार्टी में काम में लगे, यही मेरी। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने दावा किया कि कांग्रेस के भी कई नेता संपर्क में हैं और जो भी बीजेपी में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जिसकी आंखें जब खुल जाए उनको भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। अभी तो एक ज्वाइनिंग कमेटी बनी है मेरे संयोजकत्व में, जो लोग आना चाहें संपर्क करेंगे, सबको मिलाएंगे, गुण दोष देख के। समाज जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए, राष्ट्र जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए। तो लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी आपको झटका दे चुकी है, वहीं कांग्रेस को भी झटका देने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर रायपुर में चल रहा है बीजेपी का मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है, प्रत्याशी चयन को लेकर वन टू वन चर्चा का दौर। संभाग प्रभारियों और नेताओं से नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। जीतने वाले प्रत्याशियों के नाम पूछे जा रहे हैं। प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, वो लगातार चर्चा कर रहे हैं संभाग प्रभारियों से, नेताओं से, अलग अलग नामों को लेकर चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक, प्रत्याशी चयन को लेकर ये वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू वन चर्चा इस वक्त जारी है। राम राज्य है और ऐसा माहौल बन रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस ओर अग्रसर हो चले हैं। और टी राजा जो आपके विधायक है तेलंगाना से, उन्होंने कहा है कि धर्म परिवर्तन करने वालों को सरकारी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। और उन्होंने भी कहा कि रोहिंग्या को बसा दिया गया पूरे छत्तीसगढ़। किसने कहा? सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आकाश के पास हम आपको लिए चलेंगे। आकाश, क्या कुछ अपडेट इस बैठक का? वन टू वन चर्चा कर रहे हैं माथुर साहब, चर्चा कर रहे हैं, 11 में से 11 का टारगेट है। आकाश, आज क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई और जो कोर कमेटी में जितने संगठन के लोग हैं उनकी बैठक हुई, तो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मौजूद थे, दोनों मुख्यमंत्री मौजूद थे, इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे यहां पे, हालांकि वो निकल चुके हैं। अभी संगठन के कुछ लोग बैठक कर रहे थे, मुद्दा विषय सिर्फ एक ही था, लोकसभा चुनाव जो 11 सीटें हैं वो 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है, ऐसे में उस पर लगातार रणनीति बन रही है, मंथन चल रहा है और जैसे जैसे तिथि नज़दीक आ रही है तो सीधी सी बात है, विधानसभा स्तर पर जो अभियान चलाना है उसको लेकर तो वही बात चल रही है। आज जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप पार्टियों के संगठन के लोगों का प्रवेश हुआ है तो आने वाले समय में और भी राजनीतिक पार्टियों का इसमें प्रवेश हो सकता है, ऐसे में संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए। वन टू वन चर्चा में यह भी निकल के सामने आया कि लोकसभा में किन प्रत्याशियों को उतारा जाना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई है। हर जो मंत्री और संगठन के लोग हैं अपनी अपनी राय रखी है, तो ये बैठक अभी चल रही है, कुछ देर में खत्म हो जाएगी। जी चलिए, कुछ देर में ये बैठक खत्म हो जाएगी। इस बैठक के दौरान भी चर्चाओं के सिलसिले चले हैं, रिएक्शन जानने की कोशिश हुई है। आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कुछ इस बैठक से जुड़ा हुआ कहा गया। 500 साल बाद भगवान भारतीय जनचेतना के प्रतिमान, ऐसे जो देश के प्राण हैं उनकी प्रतिष्ठा कल हुई है, तो आज तक तो यही सबको एहसास है, आज तक तो यही सबके मन में उल्लास है, भगवान का आना हुआ है, यह शुभ संकेत है।
आने वाले समय में सब कुछ और अच्छा होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। सघन रणनीति भाजपा की आने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पूरे के पूरे सीट हर हाल में जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस पर काम शुरू हो चुका है। 70 सालों में सरकार उनकी थी भैया, 60 साल सरकार जिन्होंने पंच से पार्लियामेंट से पंच तक चलाई है, वो कैसे किस बात को कह सकते हैं ना। भाजपा की सरकारें जब से बनी हैं बिल्कुल उचित ढंग से सभी समाज को सम्मान मिले ऐसा काम किया जा रहा है। इधर पंडित धीरेंद्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में हैं, यहां वो कथा करने वाले हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण ऐसे कई मुद्दों पर जैसे कि वो राय रखते हैं वैसे राय रखी। रायपुर में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। राम राज्य आ चुका है, सूर्योदय हुआ है और सूर्यवंशी भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। सभी सनातनी हिंदुओं ने त्रेता युग प्रारंभ किया है, अब द्वापर युग की तैयारी है। आज की ही तारीख को छत्तीसगढ़ में 23 तारीख के दिन हमने पूरे भारत को नारा दिया था, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला, चिंता ना करो अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं चलेगा। साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला, बहुत जल्दी राजिम में महाकुंभ लगने वाला है, राजिम के महाकुंभ में भी पूरा छत्तीसगढ़ सम्मिलित होने वाला। भैया ये हमारा ननिहाल है, यहाँ हमारे मामा जी रहते हैं, अब यहाँ पर चप्पे चप्पे कण कण में राम नहीं है, राम ही कण कण हो गए हैं। और चिंता मत करो अब छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन नहीं चलेगा क्योंकि अब यहाँ के हाल बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, एक नई ऊर्जा का भारत में संचार हो रहा है, अब अखंडता की ओर भारत के लोग बढ़ रहे हैं। ममता लांजेवार, रायपुर, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे हुए हैं, कई मसलों पर वो राय देंगे, कथा भी वो कर रहे हैं। इसमें बाकायदा जो सीएम है विष्णुदेव साय वो भी इस उनकी कथा का आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, आगे भी वो तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन अगली बड़ी अहम खबर का जिक्र करेंगे, वो है छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन। कांकेर के पखांजुर में बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी पार्षद के होटल और मकान पर पुलिस ने एक्शन लिया। इधर दुर्ग में छात्र की हत्या के आरोपियों के घरों पर विधायक ने बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी। कांकेर में हुई बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड में एक्शन जारी है। आरोपी पार्षद के होटल पर बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले कल आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। पखांजुर नगर पंचायत में बीजेपी नेता असीम राय की 7 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल का नाम सामने आया, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं दुर्ग में छात्र की हत्या को लेकर विधायक रिकेश सेन ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेताओं और अफसरों को भी विधायक ने चेतावनी दी। मैं बता देना चाहता हूं इस मंच से, आपके आज का दिन याद रखें।